लड़ाई झगड़े के मामले च एक मौत हुई है, की मामला की है? कुछ नहीं, एक परिवारिक झगड़ा संतोख सिंह सन ऑफ मुंशा सिंह जेडे मृतक है जिन्हों की मौत हुई है। असल च ना लड़ाई का छोटा ज्यादा नहीं छोटा जहा झगड़ा ही आलूआ की खेती दे विचों एक सिर्फ ट्रैक्टर लंघाने की खातर संतोख सिंह ते उहदे आपसी जेडे चाचे ताए आ जेडे मुंशा सिंह की अगली औलाद उन्हां दे नाल तकरार हो गया ते मौके ते जिहड़ी डांस छोटे करके सट लगन करके उहदी 3 दिन बाद मौत हो गई। ये वाकया जिहड़ा कि 11 तरीक 3:30 बजे के करीब है जो मुंशा संतोख सिंह अपना ट्रैक्टर कटन की लई उत्थे अपनी अगली खेती वास्ते ट्रैक्टर कटना चाहता है पर उहदे शरीकेबाज मतलब उहदे भतीजे ते भरावां ने मना किया कि इत्थों ट्रैक्टर नहीं कढ़ना असीं आलू बीजे आ ते उन्हें दूसरे साइड तो अपना ट्रैक्टर कढ़ लैंदा आपस ट्रैक्टर आलू बीजते हैं जां कुछ आपस खेती का काम करते हैं उन्होंने आपस तकरार हो गया जिस करके दोनों पार्टियां तकरार होने करके सिर से सट लगन करके उसकी मौत हो गई। किन्ने बंदे नाम जदे इहदे विच जिहड़ा लड़ाई चल इस केस दे विच एक केस हैगा अंडर सैक्शन 307 दर्ज रजिस्टर होया है जो स्टेटमेंट लई फिर 302 जो मौत होने करके 302 का वाधा करना पाया। इस केस में लगभग 9 बंदे नामजद होए जो एज पर जो विक्टम स्टेटमेंट है जो उन्होंने माता की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 9 बंदे नामजद किए गए जेडे कि एक ही परिवार के मुंशा सिंह की अगे वारस है जेडे सारे ते कोई हिरासत च भी लिया गया बंदा सॉरी कोई इन्हों कोई गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, 3 बंदियां दी फिलहाल तक गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरमेल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुलवंत सिंह ते उन्हां दी जिहड़े सरजीत कौर उन्हां दे वाइफ है जिहड़े उन्हां दी गिरफ्तारी हो चुकी है ते फिलहाल आपां रेड कर रहे हैं। हुण भी मैं रेड ते गया हां, बाकी बंदे मौके तों फरार है। जिद्दां ही फड़े जांदे आ पेश करके जो अदालत दा हुक्म होएगा अकॉर्डिंगली कार्रवाई करांगे। धन्नवाद।